आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधायक पार्षद और पदाधिकारियों के साथ चुनाव के लिए समीक्षा बैठक की। बूथ लेवल पर चल रहे जनसंवाद पर चर्चा हुई। 24 दिसंबर तक सभी बूथों पर जनसंवाद पूरा करने के निर्देश दिए गए। सुनिए बैठक के बारे में दिल्ली आम आदमी पार्टी संयोजक गोपाल राय ने क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ, सभी काउंसलर्स, MLA, सांसद, मंत्रियों के साथ चुनाव तैयारी की समीक्षा की है और जिसमें खास तौर से जो बूथ संवाद चल रहा है उस पर चर्चा हुई। अब तक लगभग पूरे दिल्ली के अंदर 6000 बूथों पर जो है वो जनसंवाद कंप्लीट हुआ है। अगले 24 तारीख तक जो है जनसंवाद कंप्लीट करने का निर्देश सबको दिया गया है। साथ ही साथ अब पार्टी जो है चुनाव की तैयारी के लिए लोगों से आर्थिक सहयोग के लिए जो है अभियान शुरू करेगी। जो लोग ईमानदार सरकार दोबारा बनाना चाहते हैं उन सब लोगों से जो है हम लोग अपील करेंगे, सारे लोग मिल करके और लोगों के सहयोग से अगला चुनाव लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार। टिकटों को लेकर भी कुछ चर्चा शुरू हुई अभी? नहीं, अभी नहीं, अभी 24 तारीख तक जनसंवाद कंप्लीट होने के बाद उस पर चर्चा करेंगे। क्या आज सभी विधायक जो मौजूदा है शामिल हुए? सभी विधायक भी और संगठन के सारे पदाधिकारी।